हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज रसोई। और आज जो है मैं आपको मटरी की रेसिपी सिखाने वाली हूँ, जिससे आप अपने टी टाइम या फिर अगर आपके घर में कोई बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं जब उन्हें भूख लगेगी। तो मेरी इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और जो भी मैं आपके साथ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी उन सबको आप फॉलो करके इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है जिसे हमने छान के ले लिया है, लेकिन आप 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ क्रश ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ऑफ अजवाइन। आप जो नमक है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 कप हमने इसमें सूजी डाला है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है हम बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मिला लेंगे, ताकि जो नमक है वो सारी की जगह पे अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जो है हमने 4 टेबलस्पून तेल लिया था, जिसे हमने गर्म करके इस हम मैदे के मिक्सचर में ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे और उसके बाद ही जो है हम इसे इस तरह से मिलाना स्टार्ट करेंगे। हमें अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है और ये जो ऑयल है इसे बहुत ही अच्छे से इस मैदे में रब कर लेना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो मठरी है बहुत ही खस्ता बनेगी। तो अगर आप ये टिप फॉलो करते हैं अपने मॉर्निंग के टाइम पे अपने मैदे या आटे में मिलाने में, तो आप जो भी चीज़ बना रहे हैं वो बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। तो ये आपको एक स्टेप ज़रूर करना है। यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसे हमें एक सख्त सा आटा गूंद लेना है। तो पूरा आटा गूंदने के लिए मुझे अराउंड 3/4 कप ऑफ वाटर लगा है, लेकिन आप अगर मैदा और आटे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो क्वांटिटी लगेगी वो शायद से थोड़ी सी अलग लगे। कम या ज़्यादा प्लस माइनस आप उतना एडजस्ट करके आप लोग अपने पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से एक सख्त सा आटा गूंद के रख लेना है। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ। हमें बहुत ही सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है, वरना क्या होगा, मठरी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसे गूंद लिया है और हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं किया। जितना हमने मॉर्निंग के लिए ऐड किया था बस उतना ही डाला है। और एक स्मूथ सा डो बना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो एक कड़क डो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो काफ़ी स्मूथ बना है। अभी हम क्या करेंगे, इसे ढक के रख देंगे अगले 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाए। सूजी को फूलने से क्या होगा कि हमारी जो मठरी है वो क्रिस्प बनेगी। बस हम इसे रखते हैं 15 मिनट तक, और 15 मिनट के बाद ये देखिए हमारा ये जो है आटा फूल सा गया है और अच्छा भी लग रहा है। तो एक मैं काम करती हूँ कि मैं इसे पहले इसे गूंद लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बस एक पिंच साइज़ का बॉल हम यहाँ पे काट के निकाल रहे हैं। तो पूरे आटे के जो है हम इसी तरह से बॉल्स बना लेंगे। अगर आप बड़ी साइज़ की मठरी बनाना चाहते हैं तो उस तरह से आप बड़े साइज़ का बॉल ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है एक जनरस पिंच, बड़ा सा पिंच या 1 टेबलस्पून जितना मैं यहाँ पे बॉल ले रही हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही खस्ता बनती है ये। आप इसे टोटल गेहूँ से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे के जो है टुकड़े काट के रखे हैं। एक तरीका जो मैं बताती हूँ, जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से हाथों की मदद से ही उसे शेप करते हैं, ये देखिए। लेकिन मुझे जो मेथड पसंद है मैं अभी आपको वो बताऊंगी। तो ये जो पेड़ा है हमने उसे पहले गोल कर लिया है और एक बेलन की मदद से जो है मैं अभी इस पेड़े को फ्लैट आउट कर दूंगी पूरी की शक्ल में। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से एकदम पतला बेलना है। जितना भी आपका डो स्ट्रेच हो रहा है आपको बस उतना ही उसे स्ट्रेच करना है। ये देखिए काफ़ी हमारा डो पतला हुआ है, और ये देखिए जो इसका अनइवन शेप जो आ रहा है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं इसी तरह से इसे सारे के जो है मैं बनाऊंगी। अब जो है हम फोक से इसे प्रिक कर लेंगे, ताकि जो हमारी मठरी है वो फूले ना पूरी की तरह। तो ये देखिए अलग से हम इसे प्लेट में रखते जाएंगे। मैं आपको अभी और केक बना के बताती हूँ।
हमने एक पेड़ा ले लिया, उसे गोल कर लिया है। जितना अनइवन होगा उतना आपका जो मटरी है वो सुंदर दिखेगी और खाने में तो ये है ही टेस्टी। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप इसे शेप दे सकते हैं। बड़ी सी आप एक रोटी बना के इसके कटर से आप गोल गोल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो है बाकी के जितने भी हमारे पास बॉल्स हैं हम उसी तरह से बना के सारे अलग अलग रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने तेल गर्म कर लिया है और अभी एक पाँच पाँच के बैच में हम जो है तेल को तेल में इस तरह से डाल देंगे जाएंगे। जो फ्लेम है हमारी मीडियम लो पर है और जो हमारा मटरी है तेल में जाने के बाद थोड़ी देर से वो पकना स्टार्ट हो जाना चाहिए, मतलब हमारा तेल उतना गर्म हो जाना चाहिए। और मैं पाँच या छः मटरी का ही बैच एक साथ डाल के मैं फ्राई करूँगी। इसकी निशानी ये होती है कि जब ये पक जाता है मटरी तो अपने आप ऊपर आता है और इसकी आवाज़ से ही आप पहचान जाएंगे कि ये पक चुका है। तो ये देखिए इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो मैं बस इसी पॉइंट पे उसे निकाल लूँगी। थोड़ी देर के लिए हम जो है कढ़ाई के कॉर्नर में इस तरह से पकड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जितना भी एक्सेस तेल है वो निकल जाएगा और ये छन्नी में हम उसे डाल के रख देंगे ताकि जितना उसको हवा लगेगी वो उतना और क्रिस्पी होगा। इस पॉइंट पे तो वो क्रिस्पी है ही लेकिन और क्रिस्पी होगा वो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारी मटरी रेडी है। आप वीडियो जो है एंड तक देखना ताकि आप जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ कि ये काफ़ी क्रिस्पी है। ये देखिए तोड़ने से ही आपको पता चलेगा कि क्रिस्पी बना है। मैं एक टेस्ट भी करती हूँ तो आपको पता चलेगा इसका क्रंचीनेस के बारे में। काफ़ी क्रंची है ये, अभी तक वॉर्म है। हमने इसे छन्नी में रखा था तो ये जब कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएगा हम इसे एक डाल देंगे एयर टाइट डब्बे में और ये महीनों तक चलेगा। लेकिन मेरी गारंटी है अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये आपका दो दिन से ज़्यादा नहीं टिकने वाला है क्योंकि इतनी टेस्टी है कि आते जाते बच्चे से खाने वाले हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।